हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के पर्व का विशेष महत्व होता है। पूरे देश में रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के आपसी प्रेम के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए भगवान से कामना करती हैं। इसके बदले में भाई बहन के जीवन में आने वाली हर एक मुसीबत से उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। रक्षाबंधन पर बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाते हुए आरती करती हैं और मिठाई खिलाती हैं। फिर भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं। कब है रक्षाबंधन का त्योहार? हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का मनाया जाता है। इस बार श्रावण पूर्णिमा तिथि दो दिन यानी कि 30 और 31 अगस्त को पड़ रही है। साथ ही श्रावण पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा का साया रहने पर नहीं मनाया जाता। भद्रा काल में बहनों को भाई की कलाई में राखी बांधना वर्जित होता है। भद्रा काल के समय को बहुत ही अशुभ माना गया है और इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के त्योहार पर कब तक रहेगा भद्रा का साया और राखी का त्योहार कब मनाएं और राखी बांधने का क्या होगा शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन 2023 शुभ तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं श्रावण पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर होगा। पूर्णिमा तिथि दो दिन होने की वजह से इस बार रक्षाबंधन का पर्व दो दिन तक मनाया जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा के कारण इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि को लेकर मतभेद है। कब से कब तक रहेगा रक्षाबंधन पर भद्रा? इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह 10:58 से भद्रा लग जाएगी जो रात को 9:01 तक रहेगी। इस साल भद्रा रक्षाबंधन के दिन पृथ्वी पर वास करेगी जिस कारण से भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ श्रावण पूर्णिमा 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर खत्म हो जाएगी। इस तरह से 30 अगस्त को सुबह भद्रा के लगने से पहले राखी बांधी जा सकती है और 31 अगस्त को सुबह 7:07 से पहले राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन भद्रा पूंछ 30 अगस्त 2023 की शाम 5:30 से शाम 6:31 तक। रक्षाबंधन भद्रा मुख 30 अगस्त 2023 की शाम 6:31 से रात 8:11 तक। रक्षाबंधन भद्रा समाप्ति समय 30 अगस्त 2023 की रात 9:03 पर। रक्षाबंधन 2023 राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि और अपराह्न काल यानी दोपहर के समय भद्रा रहित काल में मनाना शुभ होता है। लेकिन इस वर्ष 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा रहेगी। भद्रा में राखी बांधना अशुभ होता है। ऐसे में 30 अगस्त 2023 को रात 9:03 के बाद राखी बांधी जा सकती है। वहीं 31 अगस्त को सुबह 7:07 से पहले राखी बांध सकते हैं। जाने क्या होती है भद्रा? धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन और भगवान सूर्य व माता छाया के संतान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने में लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहाँ भी शुभ और मांगलिक कार्य यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं वहाँ विघ्न आने लगता है। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। भद्रा को 11 कारणों में सातवें करण यानी विष्ट करण में स्थान प्राप्त है।
वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा का वास 3 लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में वास करती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में मौजूद होते हैं, तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा का मुख सामने की तरफ होता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार रावण की बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का भगवान राम के हाथों नाश हुआ था।